इसलिए कृष्ण कथा को मुख्य रूप में ब्रजवासी, ब्रज के सखा, ब्रज के सखियां, ब्रज की हैं कदमैया यशोदा, यही लोग ही कृष्ण को महिमा को यही लोग ही जानते हैं। हम लोग जो भक्त लोग अभी थोड़ी बहुत जो भगवान की कथा को गाते हैं, उनकी कथा को ही हम दोहराते हैं, उनकी कथा को ही सुन करके हम थोड़ी बहुत उनकी कथा को ही बोलते हैं। इसलिए करना तहारा कृष्ण लीला में अवगत नहीं, जो साधारण व्यक्ति कृष्ण कथा को हम क्या जानते हैं, हम कौन बोले, हम सुनेंगे कहाँ। इसलिए ये ब्रजवासी ही जानते हैं। इसलिए बोले कल कलमसा अपहम परमा प्रभाव कद और छेना कद भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, बोले हमारे जो पाप है, कलमस मतलब जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। पर पाप नष्ट होने पर क्या होता है, कहते हमें अब देखना भगवान की कथा किसको सुनाना नहीं दिया जाती, भगवान की कथा लेकिन दुनिया की कोई बात सुनना नहीं, दुनिया अगर किसकी चुगली हो नित्य तो आएगी नहीं, वो तो नित्य उड़ जाएगी है, वो तो उड़ जाती है, फिर तो हमारी हजार मुंह हो जाते हैं, बोला हमने सुना है, तुमने सुन ली, हाँ हमने भी सुना, ऐसी ऐसी बात है ना, हाँ हमने। इसलिए कहते क्यों, कारण कारण है, कहते जो हमारा पाप है, हमारी पाप होने का वजह से इसलिए हमारी भगवान की कथा में हमें रुचि नहीं होता। लेकिन ये पाप खत्म कब होगा, पाप तभी खत्म, मतलब कलमस मतलब पाप तभी नष्ट होगा जब हम भगवान की कथा सुनेंगे। कथा सुनते 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 जो पाप धीरे धीरे खत्म होगा ना, कथा सुनते सुनते जितने परिमाण से कथा सुनते रहेंगे उतना पाप खत्म हो जाएगा। और पाप खत्म होते होते ऐसे हो जाएगा ना, फिर तो भगवान की कथा को सिवाय और कोई कथा अच्छी नहीं लगेगी। अगर कोई दूसरे बात बताए ना, बोले चुप कर, बेकार बात को बंद कर, बात को बंद करो। इसलिए हमारे श्री बामन गोस्वामी भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज, अगर इनके पास में अगर कोई जा करके इधर उधर की बात बोलते थे ना, वो एकदम नहीं सुनते थे, वो बोलते थे बोला हरे कृष्णा, बोलते थे बोला हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे, वो नहीं सुनते थे, बोले भगवान का नाम लो, इसे बेकार बात को छोड़ो, इसे बेकार बात को छोड़ दो। इसलिए और जो भगवान की जो कथा है, इतना अच्छी भगवान की कथा जो कह रहे हैं, बताओ जो ऐसे जो भगवान की कथा, इसमें किसका रुचि नहीं होगा, सबका रुचि होगा, लेकिन एक व्यक्ति का रुचि नहीं होगा, इसलिए बोले किसका रुचि नहीं होगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बल्द निवृत्त तसई रूपगीय मनात भव औषध छत्र मनोविरामात कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजते बिना पशुकना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं है? सुखदेव कहते उनका ही कथा में रुचि नहीं होता है जो पशु घाती, जो व्याध है हंटर है, जो पशु घाती है दुष्ट व्यक्ति का ही उसमें रुचि नहीं होता है, है? लेकिन जो सज्जन लोग उनको तो कथा के सिवा दुनिया में कुछ अच्छी नहीं लगती। इसलिए भगवान की कथा कहते भैया जिस जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति जिसको भगवान कथा अच्छी नहीं लगती है। रुचि उत्पन्न कराया दैस्य अंतरा रूप अपराध नाश करिया श्रवण रुचु। इसलिए भगवान की कथा क्या कहता है, सारे पाप को धीरे धीरे नष्ट कराते करते करते अपनी आप भगवत कथा में रुचि कर देते हैं। कहते श्रवण मंगलम, कहते जो भगवान कथा श्रवण करते हैं उसको सर्वण मंगलम, मतलब उसके जीवन में मंगल मंगल नहीं होता है। मंगल क्या होता है, कहते सर्वार्थ प्रद, मतलब है जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनते हैं ना, यहाँ पर कहते हैं सर्व अर्थ प्रद, मतलब उसको जीवन में सब कुछ मिल जाती है जो भगवान की कथा सुनते हैं जीवन में, उसको सब बताओ। सुखदेव गोस्वामी को क्या नहीं मिला, हनुमान जी को क्या नहीं मिला, सबरी को क्या नहीं मिला,
ध्रुव महाराज को क्या नहीं मिला, अम्बरीश महाराज को क्या, जीवन में सब कुछ इनको प्राप्त होता है, किसको, जो भगवान की कथा को श्रवण करते, सर्व अर्थ प्रद भगवान का नाम बोले श्रीमद, जीव गोस्वामी सब अर्थ कह रहे हैं, बोले श्रीमद भगवान की जो कथा श्रवण करते उसको क्या होता है, कहते भगवान की जो कथा है बोले सर्वापेक्षा उत्कृष्ट युक्त, बोले भगवान की कथा के सिवाय जगत में और बढ़िया जगत कोई चीज है ही नहीं, जगत में अगर कोई सबसे बढ़िया चीज है, हैं? जगत में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ वस्तु है क्या है, बोले भगवान की कथा, भगवान की कथा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित कुछ भी करने का जरूरत नहीं, तुम अभिशाप लगाए ना सात दिन में तक्षक दर्शन करके कुछ मत करो, बैठो केवल भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा सुनते 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 बस सीधा ठाकुर के पास में चले जाओगे, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, जब तक तुमको ये अनुभूति नहीं हुई मैं भगवान चरण तो को प्राप्त नहीं गया तब तक तुमको छोड़ूंगा नहीं, इसलिए बैठो केवल कथा सुनो और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, वाह भगवान कथा सुनते सुनते यही जो कथा है सबसे बढ़िया सबसे उत्कर्ष युक्त है, कहते आततम बोले श्रीमदाततम, श्रीमद आतत, आतत मतलब होता है ये जो कथा है ना, बोले सर्वव्यापक, सर्वव्यापक मतलब कथा की इतने महिमा है, कथा को कौन नहीं सुनते, कथा को सब सुनते हैं, ब्रह्मा जी पंचमुख भगवान के नाम करते हैं, हनुमान जी सब समय प्रभु राम कथा सुनाते हैं, शंकर जी जब सुनाते हैं पार्वती सुनती है, पार्वती सुनाते हैं शंकर सुनते हैं, जब श्री नारायण सुनाते लक्ष्मी सुनती है, लक्ष्मी सुनाते तो नारायण सुनते हैं, कहते जो भगवान की जो कथा है बोले सर्वव्यापक बोले सर्वत्र परिहित, इसलिए कहते स्वर्ग में भी भगवत कथा है, ब्रह्मलोक में भी कथा है, वैकुंठ में कथा है, अयोध्या में भी कथा है, मथुरा में भी कथा है, पृथ्वी में सब जगह में जहाँ जाओ पर भगवान की कथा चलता होगा, जैसे हम यहाँ कथा सुना रहे हैं कितने अभी इसी समय लाख करोड़ जगह पर भगवान की कथा चलती होगी, आश्रम आश्रम में घर घर में कहीं मंदिर मंदिर में जहाँ जाओ बस वही भगवान की कथा होती होगी, आदत में सर्व व्यापक व सर्वत्र परिहित, इसलिए कहते जो भगवत कथा को जो दान देते हैं वो कौन है, बोले सर्वार्थ प्रदाता, कहते हैं सर्व अर्थ प्रदाता, जो कथा दान करता है ना कहते इससे बड़ा जगत में कोई चीज हो ही नहीं सकता, सर्व अर्थ को सर्व सिद्धि वही तुम्हें प्रदान करती जो तुमको कथा सुनाती है, जो तुमको कथा सुनाती, देखो जैसे तुम लोग अगर कथा नहीं सुनते तो क्या करते, अगर ये भक्ति में जैसे विजय ने कथा सुनाई, विजय कथा सुनाए तो तुम लोगों ने कथा सुनी, कथा सुन करके अभी भक्ति में आए हो, अगर कथा नहीं सुनते तो क्या करते, बताओ घर में बैठ के टीवी देखती नहीं तो माल नहीं तो अभी क्या सोती रहती, आज संडे है ना, संडे बढ़िया दिन है इस समय आप तो सोती रहती, लेकिन देखो कथा ऐसे पागल बनाया, ऐसे पागल बनाया सवेरे सवेरे जहाँ सोने का समय छुड़ा करके बाहर यहाँ बन गया और बैठ करके भगवान की कथा ही सुनते, इसलिए कहते जो भगवान की कथा है ना जीवन में अगर कोई सब कुछ हमें प्रदान करने वाले श्री ऐश्वर्य जस प्रतिभा कौन है, भगवान की कथा है, इसलिए भगवान की कथा ही क्या करता है जीव को सबसे बड़े पद में ले आता है, अब देखो जगत में किसको सबसे ज्यादा पूजा होती है, जो कथा है, हम कहाँ रहने वाले, भारत में कहाँ रहने वाले, हम यहाँ पर इतना क्यों बुलाया, इतना हीरो पैसा खर्चा करो कथा सुनाने के लिए, है ना, कथा सुनाने के लिए हमारे जितने महाराज लोग सब पृथ्वी में घूमते हैं, बोले क्यों उनको इतना पैसा खर्चा करके आप इतना कष्ट करके पैसा कमाते हो, कमाते हो ना काम करके, लेकिन वो पैसा वो कहाँ लगा देते कथा सुनाने के लिए, हैं आओ और कथा सुनाओ, उसमें सारे पैसा उसमें लगा देते हैं, इसे कहते जो कथा है ना जीवन में तुमको अगर कोई सबसे कोई बड़ा बना सकता है जो भगवान कथा सुनाए, तुम खुद देख लेना तुम खुद भगवान की कथा सुनाना सीखो, सब तुमको पूजा करना सीखो, भारत में जब कोई कथा आती है छोटी छोटी लड़कियां भी देखना कथा करती है,
भगवान कीर्तन कथा करती कितना लोग उनकी पूजा करते हैं। जो कथा सुनाना शुरू कर देगा देखना उसको सारा दुनिया पूजा करना शुरू कर देगी, सारा दुनिया उसको चरण में नतमस्तक हो जाते हैं जो भगवान की कथा सुनाना जो शुरू कर देते हैं। कितने महिमा भगवान की कथा की। इसलिए कहते भगवान की जो कथा है अमृत से भी जो उच्चा है भगवान की कथा सार्थकता। इसलिए कहते पृथ्वी लोक में जो जहाँ जहाँ पर अलग अलग जगह पर जो भगवत कथा दान करते हैं वो बड़े सौभाग्यवान है। विशेष करके कहते अभी तो हम कृष्ण विरह में दुखी है, गोपियाँ कह रहे अभी तो हम कृष्ण विरह में दुखी, हमें भी जो इसी समय जो कृष्ण कथा को दान करता है तभी गोपियाँ बैठ कर कीर्तन कर रहे हैं ना, कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण कीर्तन करने से कहते इसी समय हमें जो कृष्ण कथा दान करते हैं तो भी हमारे हमें भी अपना जीवन दान होता है। हम कृष्ण विरह में दुखी इसी समय हमें जो कथा कीर्तन दान करेगा वो भी हमारा जीवन का सर्वस्व है। कहते दूसरे दूसरे ब्रह्मा शंकर नारद ये अलग 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 जगह पर कई कथा को दान करते हैं, लेकिन जहाँ तारा गोपीधर का से दान करे, लेकिन जो हमारे पास में जो कृष्ण कथा को दान करते हैं हमारे पास में तो वो सर्वश्रेष्ठ है जो हमें कृष्ण विरह से भी कोई अगर बचाने वाले हो कृष्ण कथा ही है। पर जब तुम्हारे कहते ये एक तरह का अर्थ है। और श्रील विश्वनाथ चतुर ठाकुर श्री विश्वनाथ चतुर ठाकुर ये कथा की और एक अर्थ है। हाँ विश्व कल सुनेंगे वो क्या सुना था, वो थोड़ी सी उच्चा हाई फाई कथा सुना था, उसका उल्टा कथा सुना है। अगर जितना कथा सुने ना कथा की जो महिमा सुन कथा सुनने से क्या होता है, शांति मिलती है, बड़ा सुख मिलता है जीवन में, बड़ा आनंद मिलता है कथा, लेकिन वो उल्टा सुना है। अरे नहीं कथा सुनने से भगवान कथा नहीं जो सुनेगा ना मरेगा, वो अमृत नहीं मरोगे। इसलिए खबरदार गोपियाँ कहती हैं कौन बोलता है कृष्ण कथा सुनने से मंगल होता है, अमृत नहीं मृत मर जाओगे कथा नहीं सुनो, देखो कथा सुनकर तुम मरे। इस समय कहाँ आनंद में संसार में रहते कथा सुनने तो पागल बना दिया, कभी वृंदावन ले जाते कभी नवद्वीप घूमने चले जाते, जो लोग साधारण संसार में रहते क्या करते अपना बीवी बच्चों को लेकर रहते हैं संसार, लेकिन जब से कथा सुने सबसे पागल हो गए, इधर उधर डोलते रहते हाँ सबर होते चलो कथा में चलो कीर्तन में चलो। इसलिए कहते खबरदार कथा सुनो पर पागल होकर डोलोगे भगवान कथा। इसलिए विश्वनाथ कथा इसका जो कथा करते हैं वो उसका जो महिमा गाते हैं एक तरह से ऊपर में सुनने के लगता है जैसे कथा की जैसे निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसको कहते वेजस्तुति। वेजस्तुति मतलब ऊपर से लगता है जैसे निंदा, लेकिन अंदर से उसकी बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। इसको हम कल सुनेंगे वो क्या कहते हैं, ठीक है। कृपा सिंधु हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaur, Hari Go, Hari Go, Hari Go. Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaur Hari Bol Gaur Brahmanandri Hari Hari Jai Shri Guru Varanandri Gaj Vihari Radha Gurundu Vinayak Madan Mandir Jai Siddhi Lila Prabhu Shasila Bhakti Sri Rup Siddhanti Goswami Maharaj Jai Siddhi Lila Prabhu Shasila Bhakti Vedan Sri Narayana Goswami Maharaj Jai Shri Bhakti Vedanta Sridhar Maharaj ki jai, Shri Gurudev ki jai.